नमस्कार, स्वागत है आपका दर्जे की तहजीब में। बात करेंगे आज 19 दिसंबर के इतिहास की। दुनिया के इतिहास में 19 दिसंबर के कानों से महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। आइए बात करते हैं आज के इतिहास की। सन 1927 में महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल खान और रोशन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। सन 1961 में गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आजादी मिली। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने गोवा के बॉर्डर में प्रवेश किया था। 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत हल करने की पाकिस्तान की मांग छोड़ने का स्वागत किया। 2006 में शैलाज आचार्य को नेपाल ने अपना भारत में नया राजदूत नियुक्त किया। 2008 में कैनरा बैंक, HDFC व बैंक ऑफ राजस्थान ने आवास लोन सस्ता करने की घोषणा की। दिसंबर के दिन ही हुए थे कई प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म और निधन। 1899 में सीनियर मानव अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले अमेरिका नेता मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ। 1934 में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का जन्म हुआ। 1974 में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी एवं कप्तान रिकी पोंटिंग का जन्म हुआ। साल 1860 में 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी का निधन हुआ। 1988 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित और प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार उमा शंकर का निधन हुआ। इसी के साथ मैं महक रैना आज के इतिहास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए इतिहास के साथ।